एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जो खुद को क्वीन के घर में पाता है, जहां वो ये देखकर हैरान था कि मैं अचानक से यहां पर कैसे आ गया। वो इधर उधर क्वीन को ढूंढना शुरू कर देता है, तभी उसके सामने एक केक आकर गिरता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जब वो पहली बार क्वीन से मिला था तभी भी उसके पास एक केक आया था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि क्वीन आसपास ही होगी, जिस वजह से वो जल्दी से भागकर वहां के थ्रोन पे चले जाता है। और जैसे ही उसे घुमाता है, वहां पर सच में क्वीन बैठी होती है, जिसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल चुकी है और अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि क्वीन खुद से चल सकती है, जिस तरह से वो हमेशा के लिए हॉस्पिटल में लेटी हुई रहती थी। तब ये देख कर शियाओ एकदम घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद ही क्वीन को होश आ जाता है। ये देखकर शियाओ की जान में जान आती है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद के पैरों पे चल सके, इसलिए वो अपने थ्रोन से हटती ही नहीं। जिसके बाद वो शियाओ से कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे केक क्यों पसंद था? मैं हमेशा से एक केक बनाने वाली क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि एक केक हमेशा खुशियां लेकर आता है और खुशी के मौके पर ही केक खरीदा या बनाया जाता है, इसलिए मैं ऐसा बनना चाहती थी कि हमेशा सभी को खुशियां पहुंचा सकूं। और आज देखो, मैंने खुद का सैक्रिफाइस करते हुए तुम्हें और बाकी सभी को बचा लिया, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी वहां पर उसकी स्पिरिट आ जाती है, जो क्वीन से कहती है, आखिर तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? तुमने बाकियों को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी, और अब देखो मैं तुम्हारे अंदर दोबारा वापस भी नहीं जा सकती शियाओ के एवोल्यूशन वाली पावर की मदद से, तो आखिर तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अगर मैं तुम्हारे अंदर नहीं जा सकती तो कुछ टाइम बाद मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी, और जैसे ही मैं खत्म हुई तुम खुद भी जिंदा नहीं रह पाओगी, और इस तरह से हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और जब तुम इस चीज को जानती थी तब भी तुमने क्यों शियाओ के हाथों से उसकी स्वॉर्ड अपने अंदर डाल ली? तब शियाओ उससे कहता है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम दोबारा से क्वीन के अंदर चले जाओ? मैं उसे पहले जैसा देखना चाहता हूँ और उसे कोई भी खतरे में नहीं देख सकता। तब वो स्पिरिट शियाओ को मारते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से क्वीन ने ऐसा कदम उठाया। अगर तुम पावरफुल होते तो तुम कब का डबल स्पिरिट को हरा चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिखाऊंगी जिस चीज को देख कर तुम्हें हमेशा दर्द हुआ करता था। जिसके बाद वो उसे उसके सारे बुरे ख्याल को दिखाने लगती है, जहाँ पर शियाओ ये देखता है कि एक बार बचपन में उसके फादर किसी चीज को ढूंढने चले गए थे और उसके बाद से ही वो आज तक वापस कभी नहीं आए, और उसी चीज से शियाओ अक्सर परेशान रहता है। और इसी तरह से क्वीन की स्पिरिट शियाओ को उसके सबसे बुरे बुरे ख्याल को दिखा रही होती है, ताकि वो भी ये दर्द समझ सके जो अभी क्वीन और उससे हो रहा है। और इन सारी चीजों को देखकर शियाओ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जिसके बाद वो वहां से दोबारा डबल स्पिरिट के घर में पहुंच जाता है। लेकिन तभी चारों तरफ अचानक से गोल्डन कलर की रोशनी फैल जाती है, और वो रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्वॉर्ड खुद ब खुद क्वीन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है, जिस वजह से क्वीन को होश आ जाता है। ये देखकर शियाओ एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो क्वीन को कुछ भी नहीं हुआ। तब क्वीन शियाओ से कहती है, मैं बच गई तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे पास एवोल्यूशन वाली पावर्स तो है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं कि किसी को ह्यूमन फॉर्म दे सके, इसलिए मैं खुद भी अभी तक नहीं मरी। ये सुनकर डबल स्पिरिट के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, और वो गुस्से में शियाओ से कहता है, किस काम की तुम्हारी ये पावर्स है जो किसी को ह्यूमन फॉर्म तक नहीं दे सकती? जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले ही उसकी फीमेल स्पिरिट उसकी स्वॉर्ड रोक लेती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर मेरी फीमेल स्पिरिट शियाओ को क्यों बचाना चाहती है। और जैसे ही वो फीमेल स्पिरिट उसकी स्वॉर्ड रोकती है, चारों तरफ बहुत ज्यादा तूफान आने लगता है। तब डबल स्पिरिट अपनी फीमेल वाली स्पिरिट से पूछता है, आखिर तुमने शियाओ को क्यों बचाया? इसकी तो कोई वजह होगी, लेकिन वो कोई वजह नहीं बताती। पर उसकी हरकत से वो डबल स्पिरिट समझ जाता है कि आखिर इसने क्यों शियाओ को मुझे मारने नहीं दिया, क्योंकि ये शियाओ को इनके प्यार को देखकर खुद भी इमोशनल हो गई थी, इसलिए वो नहीं चाहती कि जैसे वो और डबल स्पिरिट अलग है, ऐसे ही शियाओ क्वीन भी अलग हो जाए, इसलिए उसने शियाओ को बचा लिया। तब ये देखकर वो डबल स्पिरिट भी शांत हो जाता है और शियाओ से कहता है, ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मैं क्वीन को छोड़ देता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एवोल्यूशन वाली पावर्स तो अभी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ,
जिसके बाद वो वहां से जैन के पास आ जाता है। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो उसके साथ, उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो। लेकिन तब डबल स्पिरिट अपनी फीमेल वाली स्पिरिट से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, हो सकता है यहाँ का नजारा देखकर तुम थोड़ा इमोशनल हो जाओ, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसकी मदद से एक खतरनाक अटैक जैन पे कर देता है, जिस वजह से जैन की बॉडी बहुत ज्यादा तड़पना शुरू हो जाती है। ये देखकर क्वीन और शियाओ भी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और इस डबल स्पिरिट ने जैन के साथ क्या कर दिया। लेकिन तभी जैन की बॉडी टुकड़ों में बटना शुरू हो जाती है और फिर वो डबल स्पिरिट जैन के हार्ट को निकालते हुए उसकी पूरी बॉडी को ही खत्म कर देता है, जो कि उसकी बॉडी राख में बदल कर गायब हो जाती है। ये देखकर क्वीन और शियाओ एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर इसने जैन के साथ ये क्या कर दिया। और फिर इस चीज से गुस्सा होकर शियाओ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि वो डबल स्पिरिट से लड़ सके। लेकिन डबल स्पिरिट कहता है, ये तो शुरुआत ही थी, अभी तो और लोग बाकी है। जिसके बाद वो वहां से उस बटरफ्लाई वाली लड़की के पास पहुंच जाता है और उसकी भी बॉडी खत्म करके उसके हार्ट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर शियाओ भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन डबल स्पिरिट कहता है, कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए तुम्हें इन दोनों को खोना पड़ेगा ताकि तुम पावरफुल बन सको। और फिर तुम्हारी इवोल्यूशन वाली पावर्स इतनी हो जाएगी कि वो मेरी फीमेल वाली स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म देने के लायक बन जाएगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि इन दोनों के मरने की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हो। तब ये सुनकर गुस्से में शियाओ उसके ऊपर उड़ते हुए अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन डबल स्पिरिट अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक ही अटैक करता है कि शियाओ वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब डबल स्पिरिट उससे कहता है, तुम्हारे फादर तो सच में एक महान जनरल थे, लेकिन उसकी तो परछाई भी तुम नहीं हो। अगर यहाँ पर तुम्हारे फादर जैसा कोई पावरफुल इंसान आ जाए तब भी मुझे टक्कर दे सकता है, वरना किसी और के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आकर खड़ा हो सके। तब शियाओ के पास उसका गोल्डन आर्मर आता है, जो उससे कहता है, अब एक आखिरी रास्ता ही बचा है, तुम्हें मेरी पावर्स को अपने अंदर मिलाना होगा और फिर हम दोनों पावर्स को मिलाकर लाइफ और डेथ के फ्यूजन पावर्स को एक्टिवेट कर लेंगे, जो कि इतना खतरनाक होगा कि वो डबल स्पिरिट को हरा सकता है और ये यही रास्ता हमारे पास आखिरी है। इसके बाद अगर इसमें भी हम फेल रहे तो शायद ही हम कभी इस डबल स्पिरिट को हरा पाएंगे। तब ये देखकर शियाओ अपनी पावर्स को उस गोल्डन आर्मर की पावर से मिला लेता है और फिर वो अपनी दोनों की पावर्स मिलाते हुए वहां पर अपनी पूरी पावर्स एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे वो पावर्स एक्टिवेट होती है, चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा गोल्डन रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर डबल स्पिरिट खुद भी हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर शियाओ पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद डबल स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।